नमस्कार, टेकी पॉइंट में आपका स्वागत है। और माफी चाहता हूँ, शायद से ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो मेरा लीक हुआ कनेक्टर है ये जो है ये खराब हो गया है, तो नया कनेक्टर लाने वाला, उसके बाद ठीक से ऑडियो हो जाएगा। तो आज कुछ माइक भी नहीं लगाया हूँ, क्योंकि कनेक्टर नहीं होता तो ये लीकों में कुछ काम ही नहीं होता है। तो फ़ोन तो बहुत ही अच्छा है, जो हमेशा मैं यूट्यूब को वीडियो जो भी रिकॉर्ड करता हूँ, जो भी फोटो पिक उठाता हूँ, ये इसी से ही उठाता हूँ। लेकिन इसका जो मेन डिफॉल्ट है ये है, ये बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर कोई भी लीक रखता है तो उसका सब चीज़ अच्छा रहता है, लेकिन ये जो कनेक्टर दिया गया है कंपनी का, ना है कि वो बहुत ही अच्छा है, अच्छा साउंड क्वालिटी के लिए दिए हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम होता है। अभी देखिए मेरा सब ठीक है, लेकिन ये खराब हुआ है, तो मैं यहाँ पे माइक्रोफोन भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो छोड़िए, तो शुरू करते हैं हमारा डेली टेक न्यूज। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आप देख पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का बिक्सबाय पता होगा, एक वॉइस असिस्टेंट है, जैसे कि एप्पल का सिरी होता है, ओके गूगल होता है एंड्रॉइड का, तो ऐसा उसका वॉइस असिस्टेंट है। और ये लॉन्च किया था गैलेक्सी S8 का लॉन्च के टाइम में लॉन्च किया था, तो ये पता होगा ये वॉइस असिस्टेंट। तो ये आज कोरिया के अंदर लॉन्च में आ गया है। जी हाँ, कोरियन लैंग्वेज में अभी आया है, तो इंग्लिश सपोर्टेड नहीं है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जून की महीना से ये इंग्लिश में भी सपोर्टेड हो जाएगा और ग्लोबली ये लॉन्च हो जाएगा। अब बात करते हैं नोकिया के बारे में। तो नोकिया का 3310 जो मॉडल है, आपको पता होगा कि वो रिलॉन्च हो गया है, और कैसा दिखता है आप भी देख चुके हैं। लेकिन अब ऐसा खबर आया है कि आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं नोकिया। जी हाँ, नोकिया का 3310 का लिमिटेड कुछ पीरियड के लिए चल रहा है, अब भी कुछ उसके लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो क्या डिजाइन कर सकते हैं, तो जैसे कि आपको फोटो दिख रहा होगा, उसका जो कैबिनेट है वो आप डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा मोबाइल को आप अलग ही लुक दे देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो कैबिनेट डिजाइन है उसमें आप डिजाइन कर सकते हैं। और ये चलेगा May 10 तक, और इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा नोकिया के ऊपर, नोकिया का HMD ग्लोबल, नोकिया का जो वेबसाइट है उसमें आपको मिल जाएगा। आप अगर 18 एज से ऊपर है तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर आपका डिजाइन उनको पसंद आया तो आप कुछ प्राइजेस भी जीत सकते हैं। अब बात करते हैं ओप्पो के बारे में। तो ओप्पो का F3 जो कि लॉन्च होने वाला है, May 4 को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आपको एड भी बहुत दिख रहा होगा कि कमिंग सून, बाहुबली, ऐसा कुछ एड दिख रहा होगा ओप्पो F3। तो उसका कुछ फ्रेश इमेजेस यहाँ पे आपको लीक होके आ गया, आप देख सकते हैं। और ऐसा दिख रहा है कि ये बेजललेस डिस्प्ले होगा, तो मतलब कब नहीं है लेकिन बेजल लेस मिल रहा है। और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो MediaTek बताया जा रहा है, और या फिर क्वालकॉम का 653 यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, 4GB की रैम के साथ ये आ सकता है। अब बात करते हैं HTC के बारे में। तो HTC का HTC U11 16 मई को लॉन्च होने वाले, तो उसका कुछ इमेजेस यहाँ पे आ गया है लीक होके, और कुछ फोटो भी आ गया है जिसमें देख सकते हैं आप, लिखा होगा कि सेव द टाइम, और ये थाईपे, न्यूयॉर्क और ये सब टाइम दिखा रहा है। तो इस तारीख को ये लॉन्च होने वाला है। तो क्या कुछ स्पेशल जो पता चल रहा है उसके बारे में बता देता हूँ। तो क्वालकॉम का 835 जो लेटेस्ट है उसके साथ ही आने वाला है, 6GB की रैम आपको देखने को मिल सकता है, 5.5 इंच का यहाँ पे आपको स्क्रीन भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे आपको बेजललेस डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है, जो कि जो 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले होगा वो पूरी तरह से बेजललेस हो सकता है, यानी कि दोनों साइड का ऊपर की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में आपको ये भी बेजललेस देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आईवल के बारे में। तो आईवल का ब्लेड सीरीज का एक न्यू टैबलेट लॉन्च हो गया है, वो भी रिमिक्स ओएस के साथ। तो उसके बारे में बात करते हैं, पहले ब्लेड के बारे में बात करते हैं। तो ब्लेड X1 4G नाम है उसका, और ये जो ब्लेड सीरीज का टैबलेट ये दिखता है जो लिनोवो का योगा टैब है उसी की तरह दिखता है, नीचे की तरह उसका एक बेस तरह के रहता है, तो उसी तरह ये दिखता है। और आप बात करते हैं रिमिक्स ओएस क्या है, तो रिमिक्स ओएस एक एंड्रॉइड बेस्ड ओएस है, लेकिन ये इसको ऐसा कन्फिगर किया गया है कि जो टैबलेट में आप देखेंगे तो लगेगा कि कुछ विंडो का आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो दिखता है लगभग विंडो ओएस की तरह दिखता है, लेकिन ये उसका जो कोर है वो विंडो ओएस है। तो और एक भी है एंड्रॉयड ऐसा कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो भी उसी तरह काम करता है। अब जब यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक माइक्रोसॉफ्ट का ओएस यूज करें, मतलब विंडो ओएस आप यूज करें, लेकिन होता है ये एंड्रॉयड ओएस। तो आईवल ने उसी रिमिक्स ओएस के साथ पार्टनरशिप करके ये टैबलेट लॉन्च किया है। 10.1 इंच का यहाँ पे आपको 720p का डिस्प्ले मिल रहा है, 1.3GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है कोर्टेक्स A53 के ऊपर। रैम रोम की बात करते हैं, 2GB की रैम मिल रहा है, 16GB की स्टोरेज के साथ आ रहा है। और जैसे कि बताया मैंने रिमिक्स ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉइड है ये। कैमरे की बात करते हैं तो 8 और 5 का कैमरा कॉम्बिनेशन है, 8MP का रियर कैमरा है और 5MP फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे आपको मिल रहा है। और क्या कुछ मिल रहा है,
तो 4G मिला, वोल्टी मिला, जो कि अच्छी बात है। टैबलेट में आपको 4G वोल्टी मिल रहा है, 3.5 mAh के जैक के साथ ही आ रहा है। और बैटरी की बात करें तो 7800 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल रहा है। और कीमत की बात करते हैं तो 17,500 rupees का कीमत रखा गया है। अब बात करते हैं सैमसंग का एलईडी टीवी के बारे में। तो सैमसंग ने उसका क्यू एलईडी सीरीज का टीवी लॉन्च कर दिया है आज इंडिया में, और उसका जो 5 मॉडल है उसके बारे में बता देता हूँ। तो साइजेस की बात करते हैं तो इसका जो साइज शुरू होता है क्यू एलईडी सीरीज का, तो 55 इंच से स्टार्ट होकर ये जाता है 88 इंचेस पर। जी हाँ, 55 इंच से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 88 इंच पर। तो सोच लीजिए कितना बड़ा साइज का होगा ये टीवी। और कीमत के बारे में बात करते हैं तो शुरू होता है 3.44 लाख से ये शुरू होता है, जो 55 इंच है वो शुरू होता है 3.44 लाख, जी हाँ वहां से शुरू होता है, और जो खत्म होता है जाके 10 लाख पे ये खत्म होता है। अब बात करते हैं आज के आखिरी टेक न्यूज के बारे में। तो आखिरी टेक न्यूज उबर की तरफ से है। तो उबर ने उबर का ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ये अभी मुंबई में शुरू है, जिसका नाम है उबर ईट, और यहाँ पे मुंबई का 200 से ऊपर रेस्टोरेंट पार्टनरशिप कर लिया है। तो ये अभी मुंबई में शुरू हुआ है और धीरे धीरे इंडिया में जहाँ पे भी उबर चलता है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बस आज के टेक न्यूज में इतना ही। टेक पॉइंट के इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिलेगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।